तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो क्या गाइस, आज हम जा रहे हैं भाई यहाँ पे। तो गाइस आज मैं जो अपना जो बाइक है एम आई एफ वर्षन 3 उसको मैं लेके आ चुका हूँ, क्योंकि गाइस इसका मैंने आज रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, उसको मैंने लिया लगभग 2-2.5 साल हो चुका है। ठीक है, तो मैंने अब तक रिव्यू वीडियो नहीं बनाया उसका। ठीक है, तो आज मैं करने वाला इस बाइक का रिव्यू, टेस्ट, परफॉर्मेंस एंड टॉप गियर, स्पीड का सब कुछ टेस्ट करने वाला इस बाइक का। ठीक है, तो गाइस अगर आप सोच रहे कि भाई एम आई एफ वर्षन 3 लेने वाला है, ठीक है, अभी नया वर्षन भी आ चुका है, ये ओल्ड है, पुराना वाला है। ठीक है, तो उसको मैंने लिया था 2020 का लास्ट में, मतलब 21 के आसपास मैंने लिया था उसको। ठीक है, तो उसको लिया मैंने लगभग 2.5 साल पार हो चुका है, 3 साल होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा चला नहीं बाइक, ये चला है सिर्फ लगभग, कितना मैं दिखा दूँ आपको मीटर पर, तो यहाँ पर टोटल चला है 11,959। ठीक है, तो 12,000 में नहीं हुआ अब तक। ठीक है, तो 12,000 होने वाला है। ठीक है, तो ये जो ले मैंने इसको लगभग 2-2.5 साल हो चुका है। ठीक है, तो उसका अभी भी क्या माइलेज देता है, क्या टॉप स्पीड देता है, क्या परफॉर्मेंस है इस बाइक के अंदर, ऐसा क्या खास आपको ये लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं पूरा बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो का लास्ट तक बने रहना, मज़ा आएगा बहुत ही। ठीक है, तो गाइस अभी मैं फिलहाल जाने वाला हूँ एक टाउन पे, वहाँ पे एक हाईवे है, हाईवे पे जाकर मैं वीडियो बनाऊंगा इसका जो टॉप गियर स्पीड है, एक पे कितना आता है, 2 एंड गियर पे कितना आता है, 3 एंड गियर पे कितना आता है, टोटल है 5th गियर इसका, सिक्स गियर नहीं है, 5th है। तो चलो भाई हम चलते हैं हाईवे पर, वहाँ पे जाके उसको पूरा टेस्ट करूँगा। ठीक है, तो गाइस मैं ये यहाँ पे अपना बाइक का फोटो ले रहा हूँ, क्योंकि भाई अपना थंबनेल भी डालना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को व्यू काफ़ी अच्छा लगा, तो भाई देखो यार फ़ोन का क्वालिटी भी मज़ा आ रहा है यहाँ पे देखने के लिए। तो मैं पहले तो फोटो निकाल लेता हूँ थंबनेल के लिए। ठीक है, इसी फोटो थंबनेल डालने वाला है। ठीक है, तो गाइस अभी हम बात करने वाला है कि भाई ये जो बाइक है इसका जो बॉडी है ना, ये पूरा मेटल नहीं है, पूरा प्लास्टिक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी को भाई मेरे को इतना भी खास नहीं लगा, क्योंकि भाई दिखाओ मैं इधर देखना, ये जो क्रैच है ना, ये देखना, ये देखो, ये पूरा मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका बॉडी इतना भी खास नहीं, चारों तरफ से ऐसा ही है। ठीक है, देखने बताओ तो ये साइड में भी ऐसा ही है, पूरा खुली आम देखो, इधर देखो, ये दोनों चीज़ देखो, ये देखो, ये पूरा ऐसा लगता है चिपकता, लेकिन अभी चिपक के नहीं, पूरा ऐसा उड़ गया, ये सब कुछ उड़ गया। ठीक है, इसका बॉडी जो है पूरा हिलता है, ये देखो पूरा हिलता है सब कुछ, बॉडी प्लास्टिक ही है, कोई मेटल वगैरह नहीं है, सब हिलता है। ठीक है, इधर ये सब भी इतना भी खास नहीं है, ये सब भी पूरा हिलता है, साथ ही साथ ये भी इतना खास नहीं है। गाइस ये जो बाइक है भाई, बाइक तो सही है, इतना भी दिक्कत नहीं है। इसका जो टायर है पीछे का, वो भी भाई मतलब बहुत बढ़िया टायर है। ठीक है, बहुत ही मोटा है, अगर आपने जो कॉर्नरिंग है कॉर्नरिंग किया तो उतना भी स्लिप नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इस बाइक का जो टैंक है मेरे को उतना भी खास नहीं लगा। ठीक है, तो इस बाइक को मैंने ले चुका हूँ, 2.5 साल हो चुका है, मैंने घर पे नहीं था, बाहर पे था, तो इसलिए इसको रिव्यू नहीं कर पाया मैंने। वैसे मैंने यूट्यूब पर नया नया आया। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सपोर्ट कर लिया करो। ठीक है, तो गाइस दूसरी बात यह है कि मैं इस बाइक को थोड़ा मॉडिफाई करवाया, ये जो कलर है ये कलर नहीं था, एंड देन ये कलर और ये कलर ये भी नहीं था, ये जो रिंग पे कलर देख रहे आपको ये भी कलर नहीं था, मैंने इसको लगाया। ठीक है, तो इसलिए बाइक का जो लुक है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैंने इंडिकेटर एक्स्ट्रा लगाया, तो ये टूट चुका है इंडिकेटर। ठीक है, नहीं ये वो एक्स्ट्रा लगाया था मैंने, फट गया। ठीक है, बिकॉज इस बाइक का जो माइलेज है, पहले मेरे को मिलता था माइलेज 45 मिलता था, लेकिन अभी जो माइलेज मिल रहा है, अभी माइलेज मिल रहा है सिर्फ 40 भी नहीं आ रहा है, 38-39 माइलेज आ रहा है इसका। ठीक है, एंड दूसरी बात इसकी जो टॉप स्पीड है, पहले इसकी टॉप स्पीड था लगभग 135 का आसपास था। ठीक है, लेकिन अभी टॉप स्पीड सिर्फ 115 तक ही आता है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 1:2 2:1 पे कितना लगता है एंड टॉप स्पीड कितना जाने वाला है। 115 तो आराम से आ जाएगा, लेकिन 115 के ऊपर जाता नहीं, बहुत ट्राई किया मैंने। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि भाई ये जो बाइक से आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको नॉर्मली चलाना है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, अगर आपको मतलब राइडिंग वगैरह करना है, थोड़ा अच्छे खासा बाइक चाहिए तो आप ये मत लो, इसके बदले MT ले लो। ठीक है, अगर आप सिंगल राइडिंग करता है, ठीक है, मतलब वीडियो वगैरह बनाया गया स्टैंड के लिए, राइडिंग के लिए, तो आप इसको मत लो, आप ले लो MT 15 वरना KTM Duke 250 ले लो। ठीक है, ये जो बाइक है ना, अगर इसका जो दूसरी बात ये है कि इसका जो डायरेक्ट पिकअप नहीं लगता है, ठीक है, जो MT का लगता है, KTM का लगता है, R15 का लगता है, लेकिन इस पर डायरेक्ट पिकअप नहीं लगता है, स्लो होता है। ठीक है, आपको मतलब अगर MT से रेस करवाना है, ड्रैग रेस करवाना है, तो आप हार जाएगा, आराम से हार जाएगा। ठीक है, तो दोनों बाइक तो सेम ही है, मतलब CC का है, 155 CC का ये भी है, MT भी 155 CC का ही है, लेकिन भाई अगर इसको कंपेरिजन करेगा आप MT के साथ, तो ये पूरी तरह हट जाएगा, किसी भी तरह ये आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको भाई बाइक लेना है तो आप भाई, मैं तो कहूँगा कि इसको मत लो। ठीक है, अगर आपको फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, 2-3 बंदा है, अगर आपको नॉर्मली घूमना है, ठीक है, राइड वगैरह नहीं करना है ज़्यादातर, तब इसको आराम से ले सकते हैं। इसको भाई जो MT है, MT पे 2-3 बंदा जाना बहुत ही मुश्किल, लेकिन इस पर आराम से 3 बंदा जा सकते हैं, उसका सीट जो वो भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसका ग्लास वगैरह मैंने खोल दिया। ठीक है,
तो ग्लास वगैरह खोल दिया। अभी जो लुक है थोड़ा सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, जो एम्प्टी है, एम्प्टी का सीट बहुत ही छोटा होता है, उस पर कोई बैठ नहीं सकता है। दो बंदा तो जा सकते हैं, वो भी मतलब लड़का, लड़के लोग जाना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि भाई एक तरफ से बैठना पड़ता है लड़के लोगों को। इसलिए तो बस चलो हम जाता है भाई टाउन पर। टाउन पर जाकर दिखाऊंगा इसकी जो मतलब वो होता है ना, 1:2 टू इस गियर पे कितना लगता है, ठीक है, टॉप स्पीड कितना आता है, सब कुछ दिखाऊंगा इसके परफॉर्मेंस। चलो गाइस, और अगर दूसरी बात, ये जो यामाहा एफजेड वर्शन 3 का बाइक है, इस पे अगर आप चाहती हो कि स्टैंड करने वाला है, अगर स्टैंड के लिए चाहिए, तो भाई ये कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस पे मैं तो वुली आराम से मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी दिक्कत है, क्योंकि ये जो बाइक है आगे में थोड़ा मतलब वेट ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको वुली मारना दिक्कत है, लेकिन दो बंदा है तो आराम से मार सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अब इस बाइक को वुली स्टॉप करना चाहती है तो ये नहीं होगा, क्योंकि सामने ABS ब्रेक है, वुली स्टॉप करना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, बहुत ही रिस्क हो जाता है। ठीक है, एम्प्टी है तो भाई बहुत ही बढ़िया होगा, एम्प्टी जैसे कि KTM वगैरह बहुत ही सही है, लेकिन इस पे भाई थोड़ा सा दिक्कत आता है। ठीक है, एंड दूसरी बात, तो उसको मैंने भाई काफ़ी बार ट्राई किया, उसको जो वुली का वीडियो मैं भी डाल दूंगा, देख लेना। वुली तो आराम से मर सकते हैं, लेकिन वुली स्टॉप करना बहुत ही दिक्कत है गाइस। बाइक का मैंने कुछ चीज़ खोल कर रख चुका हूँ, ये जो बाइक का साइड पे होता है, ठीक है, ये भी मैंने खोल कर रख दिया, इसका भी खोल कर रख दिया, क्योंकि जब हम राइड करता है ना, तो लॉन्ग ड्राइव पे गया, तो ये जब ऐसा पकड़ता है हम, तो ये जो रहता है यहाँ पे, तो ये जो हाथ पे लगता है ना, तो मतलब भाई दर्द होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको भी खोल दिया। एंड चलो गाइस, हम इस बाइक को अभी उठाने वाला इस रास्ते पर थोड़ा सा, ठीक है, तो 1:11 पे अभी तो यहाँ पे ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन इस बाइक की एक ही दिक्कत है, ये जो मतलब गियर है ना, वो डायरेक्ट पिकअप नहीं लगते, तो मैं अभी एक पे लगा के डायरेक्ट पिकअप लगा दिखाऊंगा, इतना भागेगा नहीं। अगर KTM MT वगैरह है तो भाई डायरेक्ट पिकअप ऐसा लगता है ना कि भाई ओवरटेक करना बहुत आसान है, लेकिन इस बाइक के भाई ओवरटेक करना बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट पिकअप नहीं लगता है भाई, मतलब जाते जाते इसके बाद लगता है, ठीक है, ऑटोमेटिक तौर में, मतलब स्लोली लगता है, डायरेक्ट पिकअप नहीं लगता है वो। ठीक है, तो चलो भाई हम एक बार भगाते हैं इसको, डायरेक्ट पिकअप लगता कि नहीं लगता उसको देखने वाला। ठीक है, तो चलो भाई, ये एक छोटा सा रोड है गाँव का अंदर, तो यहाँ पे भगाना बहुत ही दिक्कत होगा, तो मैं जाने वाला है हाईवे पे, तो यहाँ से हाईवे पे जाने के लिए हमको लगभग टाइम चाहिए 15 मिनट। ठीक है, यहाँ से 10 किलोमीटर 15 मिनट बोला, क्योंकि ट्रैफिक जाम है। ठीक है, गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ हाईवे का साइड पे, यहाँ पे मेरी बाइक खड़ा है, हेलमेट पर लगाया है GoPro। ठीक है, तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ फाइनली हाईवे पर, मैं आप लोगों को दिखा दूँ हाईवे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गया था, फोन से गया, फोन तो सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाईवे है, ठीक है, आपको दिखा दूँ मैं, ठीक है, हाईवे कैसा है, तो बस ये देख लो, ये हाईवे। ठीक है, तो ये मेरी बाइक है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है, 4 लाइन नहीं, 2 लाइन ही है। ठीक है, इस हाईवे पर अभी अपन करने वाला है, ठीक है, 1:11 का कितना आता है टॉप स्पीड, 2:11 का कितना आता है। ठीक है, तो लास्ट पे अपन करने वाला है, मेरे साथ पे कोई नहीं है, दोस्त वगैरह कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो बस लास्ट पे अपन करने वाला है, ठीक है, जो हमारा डायरेक्ट पिकअप लगता कि नहीं लगता इस बाइक का। ठीक है, तो वो हम ट्राई करेंगे कि डायरेक्ट पिकअप लगता कि नहीं लगता है, लगभग 20 मीटर के अंदर 1:11 पे कितना आता है। ठीक है, स्पीड वो भी टेस्ट करेंगे, वो लास्ट पे करेंगे। तो अभी अपन कर लेते हैं पहले इस हाईवे पे 1:11 पे कितना आता है। ठीक है, तो यही था भाई यामाहा एफजेड वर्शन 3। ठीक है, तो बाइक तो देखने का भी अच्छा है, लुक भी है, लेकिन भाई जो जो राइडर के लिए चाहिए होता है, एक राइडर के लिए जो बाइक चाहिए होता है, वो इस बाइक के अंदर नहीं है। अगर एक राइडर को बाइक चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा KTM MT वगैरह, वो लेना पड़ेगा, जैसे कि NS 200, वो भी इससे भी बढ़िया है। ठीक है, लेकिन ये राइडर के लिए नहीं है भाई, जो लोग राइडिंग करते हैं, स्टैंड वगैरह करते हैं, उन लोगों को ये बाइक भाई नहीं होगा भाई। ओके, बहुत कुछ मतलब इसका अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन बाइक देखने में अच्छा, चलाने भी अच्छा, माइलेज भी अच्छा देता है, लेकिन भाई जो परफॉर्मेंस है ना, मतलब राइडर के लिए, वो परफॉर्मेंस बाइक के अंदर नहीं है। तो चलो भाई, अपन निकल के चलते हैं रास्ते पे। तो गैस धूप काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो यहाँ पे डर ही जा रहे हैं। तो चलो भाई, चल लेते हैं अपन। ठीक है, तो बस अभी हम करने वाला है 1:11 पे टॉप स्पीड कितना आता है 1:11 पे, वही ट्राई करेंगे अपन। ठीक है, तो चलो भाई चलता है बिना किसी देरी से। बस 1:11 पे आया, 42:11 पे 60 आया, 3:11 पे, ठीक है, 3 नंबर 11 पे आपको नहीं लगा पाया, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम है यहाँ पे, देखो ट्रैफिक बहुत ही जाम है। ठीक है, लेकिन ट्राई करूँगा गाइस 5 गियर तक लाने के लिए, कितने तक आता है देख जाऊँगा, तो ट्रैफिक बहुत जाम है इसलिए भाई नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो चलो आगे तक 2 गियर का तो हम देख चुके कितना आया था। चलो बस 30 गियर पे आपको खींचता है,
तो गाइस फोर्थ गियर पे 100 आया, ठीक है। अभी फिफ्थ गियर बाकी है, फोर्थ गियर पे 100 तो लग चुका है, ठीक है। तो चलो भाई अपन अभी फिफ्थ गियर का बाकी है, फिफ्थ गियर पे ट्राई करेंगे। फिफ्थ गियर पे तो 115 आ जाएगा, क्योंकि पहले तो 135 अभी उतना नहीं आएगा, शायद अभी 115 है, क्योंकि पहले 135 आराम से लग गया, लेकिन अभी नहीं लग रहा है। अभी तो सिर्फ 115 ऐसा यार, 115-14। अभी फोर्थ गियर भी हो चुका है, हमारा फिफ्थ गियर बाकी है। चलो भाई फिफ्थ गियर पे ट्राई करते हैं, अपन खींचने वाला है इसी रास्ते पे, लगभग 115 आएगा अभी शायद मेरे हिसाब से। तो चलो भाई खींचता है यार। तो गाइस फिफ्थ गियर पे जो हमारी स्पीड आया टॉप स्पीड वो ओनली 140 ना है, मतलब 114, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट गियर पे आया 40, सेकंड गियर पे आया 60 यानी 60, थर्ड गियर पे आया 80 यानी 80, ठीक है। तो चार गियर में फोर्थ गियर पे आया हमारे 100 का, एंड फिफ्थ गियर पे 114-115 आराम से आएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो भाई यही था MRZ वर्जन 3 का, दो ढाई साल हो चुका उसको लिया हुए, ठीक है। 2.5 ईयर हो चुका है, तो 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस ये है MRZ वर्जन 3 का, अब तक देख चुका है, ठीक है। तो न्यू का तो बहुत ज़्यादा आने वाला, न्यू का टॉप स्पीड 135 आराम से आ जाएगा, लेकिन अभी ये दो ढाई साल हो गया तो उतना भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी और एक चीज़ बाकी है, जब आप लोगों को दिखाओ मैं इस बाइक का क्या दिक्कत है, जो है डायरेक्ट पिकअप नहीं लगता उस बाइक पर, ठीक है। तो अभी आप जाने वाला है मतलब और एक रोड पे, क्योंकि वहाँ पे एक दोस्त खड़ा है, ठीक है, तो उसको लेके आना, क्योंकि भाई दो बंदा चाहिए थे कि एक्सर नहीं होगा, ठीक है, तो कैमरा पकड़ने वाले लोग नहीं है। तो चलो भाई और चलते हैं, ठीक है। तो अभी सेकंड जो है हम दिखाएगा इस बाइक का मतलब डायरेक्ट पिकअप लगता है कि नहीं लगता, क्या दिक्कत है, मतलब 20 मीटर के अंदर 40 मीटर के अंदर इसकी जो वन स्पीयर पर कैसा मतलब डायरेक्ट पिकअप लगता कि नहीं लगता, कैसा स्पीड आता है, उस सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो गाइस चलते हैं अपन वहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं पहले लोकेशन पर, इस पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बैग लेके आ चुका है, तो उसको अभी करने वाला भाई हम जो अपना जो डायरेक्ट पिकअप होता है वो टेस्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट पिकअप लगता कि नहीं लगता, ठीक है, मेरा साथ कोई नहीं था, अब एक दोस्त आया तो उसको लेकर अपन ट्राई करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ उसके जो टायर सिस्टम है क्या है, दिखा दो आप लोग को, ठीक है। चलो तो बस इसके जो टायर सिस्टम है, इसके जो टायर है ट्यूबलेस है, एंड इसका जो टायर टाइप है वो टायर टाइप है 140/60-17 mm का है, ठीक है। जो बैक टायर है, रियर टायर है, वो है 140/60-17 mm का है, ठीक है। और जो फ्रंट का टायर है, फ्रंट का टायर को दिखा दूं मैं, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है गाइस, ये देख लो आप लोग, यहाँ पे लिखा है 180/17 mm का टायर है, ठीक है। तो बस ये है MRZ वर्जन 3 का जो टायर सिस्टम, आप लोग दिखा चुका है, टायर जो है ट्यूबलेस है, ठीक है। तो इसका जो हॉक्स वगैरह है ये भी काफ़ी मजबूत है, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो भाई ये बाइक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप राइडिंग कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपको वीडियो वगैरह बनाना है, स्टैंड कर रहे हैं, तो ये बाइक कभी मत लेना, ठीक है। तो बहुत ही दिक्कत है, जो टायर ये जो बॉडी वगैरह है पूरा का पूरा प्लास्टिक बॉडी, ठीक है, अगर ये गलती से भी गिर गया तो भाई पूरा टूट जाएगा, ठीक है। तो बस अभी हम करने वाला है इस बाइक का, ठीक है, मैंने तो आप लोग को दिखा चुका हूँ, ठीक है, 140 पे कितना आता है, ठीक है। तो अभी करने वाला इसका जो डायरेक्ट पिकअप है वो लगता कि नहीं लगता, कितना स्पीड जाता है 100 मीटर के अंदर, कितना स्पीड आएगा ये भी दिखाऊंगा आप लोग, ठीक है। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, ठीक है। बस मैं बाइक पर बैठ चुका हूं, ठीक है। तो अभी इसको हम ट्राई करेंगे डायरेक्ट पिकअप, उसका लगता कि नहीं लगता उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो भाई तुम थोड़ा पीछे रहो, मैं इसको बाइक का भी रास्ते में आऊंगा, ठीक है, उसको देखूंगा, ठीक है। तो बस मेरा जो बाइक अभी रास्ता में लेके आ चुका है, ठीक है, जिसको अभी पहला जो 140 पर डाल के अपन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट पिकअप लगता है कि नहीं लगता, कितना स्पीड भगता है, ठीक है। तो थोड़ा आगे जाओ, मैं दिखा देता हूँ लोगों, ठीक है, थोड़ा आगे जाओ, बिकॉज अभी जो ट्राई किया था वो तो 140 पे अपन डायरेक्ट ट्राई किया, डायरेक्ट पिकअप लगता नहीं, थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। अभी दो मतलब 3 नंबर गियर पे अपन ट्राई करना है, डायरेक्ट पिकअप लगता है कि बंद हो जाता है, ठीक है। ये जो बाइक है इस पर डायरेक्ट पिकअप नहीं लगता है, अगर आपको इस बाइक को लेकर किसी बाइक को किसी कार को ओवरटेक करना तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप लोगों को दिखा दो वाले में 3 गियर पर 3 नंबर गियर पर यह डायरेक्ट पिकअप लगता कि नहीं लगता वही दिखाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 2 नंबर गियर पर है, स्टार्ट किया 3 नंबर गियर पर। तो गाइस
देख सकते हैं भाई, भाई बाइक पूरा बंद हो चुका है ठीक है। 3 नंबर गियर पे डायरेक्ट पिकअप नहीं लग रहा है ठीक है, बहुत ही दिक्कत है, बाइक बंद हो गया ठीक है। और एक बार ट्राई करते हो, थोड़ा पीछे जाऊँ तुम गैस। कोई फ़ायदा नहीं ठीक है। ये जो MR-FSS version 3 बाइक है, इस बाइक को अगर आपको लेना है तो भाई सोच समझ के लेना, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट पिकअप नहीं लगता है, बहुत ही दिक्कत होता है ठीक है। तो भाई देख चुका है 3 नंबर गियर पर डायरेक्ट बंद हो रहा है भाई, ये नहीं जा रहा, जाने का तैयार नहीं, डायरेक्ट पिकअप लग नहीं रहा है ठीक है। तो भाई इसका जो अभी जो मतलब पीछे का जो टायर है, एक बंदा बैठ के उसको जो राइनिंग कर सकता है कि जैसे वो भी दिखाऊंगा ठीक है। अभी टायर दिखाओ तो मैं भी दिखाता हूँ ठीक है। मतलब उसको ट्राई करना पड़ेगा आपको 1 नंबर गियर पर, 3 नंबर पर तो नहीं होगा, बहुत ही दिक्कत होगा ठीक है। तो बस आप लोगों ने देख चुका है फाइनली भाई 3 नंबर गियर पे, 2 नंबर गियर पे डायरेक्ट पिकअप नहीं लग रहा है। ये MR-FSS version 3 का जो ओल्ड मॉडल है, अभी न्यू मतलब इस बाइक पे जो भी आ रहा है भाई, इस पर डायरेक्ट पिकअप नहीं लग रहा है ठीक है। तो वो तो गया, बंद हो जा रहा है ठीक है। अगर किसी बाइक को ओवरटेक करना है तो भाई बहुत ही दिक्कत होगा, नहीं कर सकते इस बाइक पे ठीक है। तो भाई इसका मैं और एक चीज़ दिखा दूँ, इसका जो अभी डायरेक्ट जो पीछे का व्हील है वो राइनिंग होता कि नहीं है, 1 इस गियर पे, 2 इस गियर पे, 3 इस गियर पे आप दिखा दो। तो बस यहाँ पर अभी, तो बस यहाँ पर अभी देखने वाला है कि जो पीछे का टायर है वो रनिंग होता कि नहीं होता, भाई दिखा दो पीछे का टायर। तो बस आप लोगों ने देख चुका फाइनली भाई 1 इस गियर पे 40 RPM लगा दिया, फिर भी पीछे का जो व्हील वो रनिंग नहीं हो रहा है ठीक है। तो मैं और एक बार ट्राई करूंगा पीछे का व्हील रनिंग होता कि नहीं होता है इसी रोड का अंदर। तो यही होता है भाई दिक्कत है MR-FSS version 3 का ठीक है। जो MR-FSS है सभी बाइक पे ऐसे हालत है ठीक है। तो और एक बार ट्राई करता हूँ कि पीछे का जो व्हील है वो रनिंग होता कि नहीं होता ठीक है। और एक बार ट्राई करता हूँ, पीछे जाओ दिखाता हूँ, पूरा ट्राई करूँगा 1 नंबर पे लगा के पूरा RPM लगाऊंगा। अगर नहीं घुमा तो भाई कुछ नहीं कर सकता भाई, बाइक ही ऐसा है नहीं घूमता है ठीक है। तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है, मुझे पहले पता नहीं था इसके बारे में ठीक है, तभी पता चल रहा है ऐसा ठीक है। बस और एक बार ट्राई करते हैं ठीक है, पीछे का व्हील रनिंग होता कि नहीं होता है। तो गैस कोई फ़ायदा नहीं। ये जो बाइक है MR-FSS भाई, मत लो उसको ठीक है। इसका डायरेक्ट पिकअप नहीं लगता है, पीछे का जो व्हील है वो राइनिंग नहीं होता इसी रास्ता पे। अगर आप मतलब मिट्टी पे गए तो वहाँ पे कभी कभी हो जाता है गलती से, लेकिन भाई इस बाइक को लेके अगर आपको मतलब लो कंट्री में चलाना है तो दिक्कत नहीं ठीक है। अगर फैमिली वगैरह है ठीक है तो चला सकते हो, कोई नहीं। अगर आपको राइडिंग के लिए लेना है ठीक है, कोई राइडिंग वगैरह करेगा, स्पोर्ट राइडिंग करेगा, कहीं पर जाएगा तो भाई इसका मतलब बहुत ही दिक्कत है ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट पिकअप नहीं लगता है, उली तो मर सकता है लेकिन पीछे का वाली स्लोप नहीं होता ठीक है, बहुत ही दिक्कत है ठीक है। तो यही है भाई वीडियो ठीक है। आपको देख चुका है कि MR-FSS ठीक है पूरा का पूरा रिव्यू टेस्ट परफॉर्मेंस कैसा है ठीक है। तो भाई मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई इसको मत लो ठीक है, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा बेकार सा लगा। इसका टैंक भी अच्छा नहीं है, इसका जो बोरी वो भी इतना अच्छा नहीं है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। बस एक तो है ठीक है, माइलेज थोड़ा अच्छा है लेकिन उतना भी मेरे को खास नहीं लगा ठीक है। मुझे पहले बता नहीं था, मैंने इस बाइक को ले चुका लगभग 3 साल हो चुका ठीक है। तो गैस कैमरा ऑन जगह मैं और एक चीज़ ट्राई करता हूँ कि यहाँ से लगभग 30 मीटर के अंदर 3 नंबर गियर पे कितना तक स्पीड आता है ठीक है। तो यही ट्राई करूँगा ठीक है। अभी तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है बाइक, चलो भाई ट्राई करता हूँ। बस यहाँ पे सामने एक बंदा खड़ा है मेरे, वहाँ पे दिख रहे हैं। तो वहाँ से यहाँ तक लगभग 30 मीटर का जगह है ठीक है। तो यहाँ से मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 नंबर गियर तक लगाऊंगा, 3 नंबर का अंदर 30 मीटर का अंदर कितना स्पीड देता है मेरा बाइक ठीक है, वही ट्राई करूंगा। एंड चलो गाइस अभी तो 1 नंबर बाइक मिले ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 तो गाइस 70 का आया ठीक है, 30 मीटर के अंदर 70 का आया ठीक है। तो बस और एक बार ट्राई करूँगा 50 मीटर के अंदर कितना टॉप स्पीड देता है ठीक है, मतलब फिफ्थ गियर पे 50 मीटर के अंदर कितना स्पीड देता है ठीक है। तो बस यहाँ से लगभग होगा 50 मीटर ठीक है। तो 50 मीटर के अंदर मैं यहाँ से खींचने वाला हूँ ठीक है, 50 मीटर के अंदर 5 नंबर पर कितना स्पीड देता है मेरा बाइक, तो वही ट्राई करने वाला। चलो भाई 1 2 3 भाई फिफ्थ गियर हो चुका है ठीक है, तो गाइस 50 मीटर का अंदर मेरे बाइक ने फिफ्थ गियर पे टॉप स्पीड दिया 90 का ठीक है।
तो काफी बढ़िया दिया, उतना भी गंदा नहीं। लेकिन भाई अगर KTM होता तो भाई 50 मीटर का अंदर भाई फिफ्थ गियर पे कम से कम तो भाई 120 आराम से आ रहा था, ठीक है। क्योंकि KTM का जो वो होता है वो लगभग डायरेक्ट पिकअप लगता है, तो इस बाइक पर डायरेक्ट पिकअप नहीं लगता, ठीक है। तो उसी चीज़ का दिक्कत है, तो मैं आज उसी को रिव्यू करने के लिए, उसी को ट्राई करने के लिए आया था, ठीक है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। ये जो बाइक है देखने का काफ़ी शानदार लुक है, उसका लुक भी अच्छा है, क्योंकि इसको अगर मॉडिफाई किया लुक अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई पहले से लुक था वो उतना भी खास नहीं था, लेकिन जैसा मेरा हिसाब से था उतना भी नहीं आया, ठीक है। क्योंकि 50 मीटर का अंदर फिफ्थ गियर पे सिर्फ 90 प्लस आया, 90 आया मतलब, ठीक है, तो उतना भी नहीं आया। तो गाइस हम भाई ट्राई करने वाले इस बाइक पे क्या उली मार पाता है कि नहीं पाता है, उसको ट्राई करने वाला, ठीक है। तो भाई पीछे जाओ, ठीक है, इसको पर उली मार के दिखा दो तो कैसे हाल उली आता है कि नहीं आता, ठीक है। इसका जो बैक है बैक, तो बैक उली स्टॉप नहीं कर सकते, बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। लेकिन भाई उली तो मार सकता है, दो बंदा है तो बहुत ही जूता, सिंगल पे थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ट्राई करूंगा एक बार उली आप लोगों को दिखा दो कि इस बाइक के उली मार सकता है कि नहीं सकता है, ठीक है। तो पीछे आ जाओ भाई, सकता है आप लोगों ने, ठीक है। इस पर जो ना सिंगल पे उली मर सकते हैं, लेकिन जो उसका उली है उस स्टॉप करना बहुत दिक्कत है, वो नहीं हुआ तो ट्राई करता हूँ कि उली स्टॉप होता कि नहीं होता, ठीक है। नहीं होता है गाइस, उली स्टॉप करना बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि इसका जो ब्रेक सिस्टम है वो ABS है, ठीक है। तो ABS से ब्रेक जो है वो डायरेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। इसका जो ब्रेक है ABS का आपको पता होगा, शायद पकड़ पकड़ के जाता है, ठीक है। तो गैस यही था आज का हमारा जो MI-AVIZA वर्शन 3 है उसका रिव्यू वीडियो, आप लोग देख चुके हैं। इसका जो माइलेज वगैरह, उसका जो 1 स्केयर का टॉप पिच वगैरह है, ये बाइक कैसा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ बता चुका है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई अगर आपको राइडिंग वगैरह करना है, ठीक है, अच्छा स्पोर्ट राइडिंग करना है, स्टैंड वगैरह करना है, तो इस एवेज को मत लो। जो नया वाला या डिलेक्स दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है मॉडल का, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मत लो उसको, ठीक है, क्योंकि भाई अगर आपको चाहिए तो MT ले लो, वरना KTM 125 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मेरा से जितना चाहिए था उतना भी उसका जो परफॉर्मेंस है उसका भी वो एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने 2.5 साल से इसको चला रहा हूँ, मेरा पास कुछ तो एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया जो उसको उली मारने के लिए, उली आराम से आ जाता है, लेकिन पीछे का जो उली है उसको स्टॉप करना बहुत ही दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख सकते जो उली है, उली में मार के दिखा दिया, ठीक है। तो अभी मेरे पास वीडियो है उली का, ठीक है। तो बस और एक चीज़ इस बाइक का जो ये है ना सॉकेट जंपर, ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ये जो जंपर है भाई, मतलब जंपिंग के लिए ये पूरा का पूरा लग जाता है, ठीक है, तो बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। और इसकी दो नंबर चीज़, ये जो ब्रेक आपको दिख रहा है, ठीक है, आगे का, तो ये है डिस्क, ठीक है। डिस्क का मतलब ABS आता है सामने वाला, और पीछे वाला नॉर्मल आता है। देखो इस बाइक का ड्यूल चैनल ABS नहीं है, जो आपको आता है R15 KTM वगैरह, तो सबका ड्यूल चैनल ABS होता है, इसका सिंगल चैनल ABS है, ठीक है। और इसका जो बैक का सॉकेट जंपर, ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अगर आप सिंगल गया तो अभी कभी कभी मालूम पड़ता है कि हाँ जंपिंग हो रहा है, लेकिन डबल तीन बंदा एक साथ में गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको जंपिंग मालूम ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आपको भाई बाइक लेना है तो मेरा हिसाब से इस FZH को मत लो, अगर आपको चाहिए तो MT ले लो, वरना KTM वगैरह ले लो, ठीक है, वरना NS 200 ले लो, काफ़ी बढ़िया बाइक है। और आपको राइडिंग वगैरह करना है, वीडियो वगैरह बनाना है, स्टैंड करना है, तो इसको मत लो, आप ले लो MT, वरना KTM बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। किसी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको सर्विस मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलता है, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद, जय हिंद।